हरदा जिले में आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जिसके विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने नगर बंद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही की मांग की। हरदा जिले की रहटगांव तहसील मुख्यालय पर विगत दिवस रहटगांव बाजार क्षेत्र में समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा एक युवक को सरेआम गाली गलौज करने, झुमा झटकी एवं जान से मारने की धमकी देने एवं नाबालिग से छेड़खानी कर परेशान करने की रहटगांव थाने में शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी थी, जिससे नाराज सामाजिक संगठनों ने नगर बंद का आह्वान किया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला पंजीबद्ध कर शाहिल खान, कयूम खान, अख्तर खान तथा पप्पू सहित सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी आरोपियों को जिला जेल भेज दिया गया है। हरदा से आलोक पटेल की रिपोर्ट। आज कुछ हिंदू संगठन मिलकर के जो है थाने पर उपस्थित हुए थे। उन्होंने बताया कि साहिल खान जो है उसकी मार्केट में स्टोर्स की दुकान है उसकी, तो उसके द्वारा जो है एक नगर की जो नाबालिग बालिका है उसके साथ में उसने छेड़छाड़ की थी, उसका पीछा किया था, उसका बात करने की कोशिश कर रहा था। तो इसी के आधार पर जो है थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसी अपराध में उसके परिजनों को जो है पूछताछ के लिए थाना लाया गया है। सुबह तक जो है आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। सर, आरोपी पर कौन कौन सी धाराएँ लगी हैं? 354D IPC और 11/12 पॉक्सो के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।